हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ SAP फीको कोर्स के बारे में। अगर आप हमारे यहाँ से SAP फीको कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरीके से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स कंटेंट क्या होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड आपके पास उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली आप कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे से। तो मैं स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और मैं करता हूं अपनी स्क्रीन शेयर आप सबके साथ। ये हमारा SAP फीको का कोर्स कंटेंट है जैसा आप देख रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, ये SAP FI के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, SEO के बारे में बताया गया है, फीको के बारे में बताया गया है, इसके स्कोप के बारे में बताया गया है। तो हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट की। तो जो कोर्स कंटेंट आपका होने वाला है वो 40 to 50 आवर्स तक का होने वाला है। एग्जैक्ट 40 आवर्स नहीं हो सकते, 40 to 50 आवर्स होंगे। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी। अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है कभी कभी कुछ चीज़ों को समझने में तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम डेफिनेटली आपको देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बस चीज़ें आपको पढ़ा दिए और आपको समझ में आया नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। आपको कंप्लीट, जब तक आपको चीज़ें ना समझ में आएगी तब तक आपको समझाया जाएगा विथ अनदर एग्जाम्पल्स। सो ये कंप्लीट 40 to 50 आवर्स आप लेके चल सकते हो कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करने में लग जाएगा। अगर क्लासेस की बात करूँ तो क्लासेस जो होगी आपकी वो वीकेंड में होगी, यानी सैटरडे और संडे में क्लासेस होती है। वो 2 आवर्स आप अप्रोक्स लेके चल सकते हो कि कम से कम आपकी 2 आवर्स की क्लासेस हो सकती है सैटरडे और संडे में। कभी कभी ये ड्यूरेशन इंक्रीज भी हो सकता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपकी चल रही होगी तो इस पार्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा। सो कभी कभी क्लासेस ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकते हैं, कभी रिड्यूस भी हो सकता है बिकॉज कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और 10 to 15 मिनट ही बचा हुआ है। तो इस केस में हो सकता है कि सर वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करे। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कोर्स कंटेंट की। ये जो फीको का मॉड्यूल है इसका कोर्स कंटेंट बहुत वाइड है, ये लेंथी है। फीको मॉड्यूल काफी लेंथी होता है इसमें, बिकॉज नंबर ऑफ आइटम्स जो है इसमें ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सीओ। सीओ में क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स कम है लेकिन उसके ड्यूरेशन ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है लेकिन उसके ड्यूरेशन कम कम है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन काफी ज्यादा टॉपिक्स है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, हमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उसके फाइनल अकाउंट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, वहां तक के कंप्लीट जर्नी आपको इसमें सिखाई जाएगी। जिसमें बीच के जो भी टॉपिक्स है जैसे वेंडर्स हो गए, आपके वेंडर्स के पेमेंट्स हो गए, वो सारी चीजें कवर की जाएगी। आपके बैंक रिकंसिलेशन हो गए, वो सारी चीजें कवर की जाएगी। आपके टैक्सेशन के पॉइंट्स हो गए, वो सारी चीजें कवर की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉपिक से आपका जैसे GL सेकंड फॉर कंपनी कोड, जनरल लेजर्स बनाए जाते हैं हर एक कंपनी कोड के लिए, उसमें जितने भी पोस्टिंग्स होती है वो सारी चीज आप यहाँ पे GL सेटिंग में देखोगे। बैंक स्ट्रक्चर, बिकॉज आप सबको पता है कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करती है वो बैंक के थ्रू करती है, तो बैंक सेटिंग में वो सारा कुछ आप सीखोगे। कैश मैनेजमेंट, एक तरीके से आपका कैश बुक हो गया कि जो भी आप कैश में पेमेंट करते हो उससे रिलेटेड ये आपको काफी हेल्प करेगी। अकाउंट रिसिबल, आप सबको पता है, आपने वर्ड पहले भी सुन रखा है। आइटम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अकाउंट पेबल, ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स ही आपको यहाँ पे आएगी। विथ होल्डिंग टैक्स, जो आपने एडवांस टैक्स या TDS आपने आपकी कुछ डिडक्ट हुई है उससे रिलेटेड आपकी अकाउंटिंग होगी। यहाँ पे GST का कंपोनेंट आ चुका है, फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन, बिकॉज आप सबको पता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री होती है हो सकता है कि आपका फॉरेन कोई ब्रांच हो और वहां पे भी इन्वेंट्री हो, तो अलग अलग करेंसीज में वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। एसेट्स अकाउंटिंग, आप सबको पता है कि जो MNCs है उसमें एसेट्स अकाउंटिंग के लिए वैकेंसीज आती है। इस पार्टिकुलर मॉड्यूल पे अकाउंट पेबल की भी अलग से वैकेंसी आती है, अकाउंट रिसीवेबल की भी अलग से वैकेंसी आती है। तो ये सारे सब मॉड्यूल से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो ये सब कुछ आपको इन डिटेल में सिखाया जाएगा। और इसके अलावा जो आपकी इंट्रीगेशन होती है, लाइक फीको का जो इंट्रीगेशन है अदर मॉड्यूल्स के साथ, MM के साथ, SD के साथ, वो सब कुछ भी आपको बताया जाएगा। तो कोर्स कंटेंट बहुत वाइड है। इसके अलावा कंट्रोलिंग का जस्ट आप कह सकते हो एक आपको ओवरव्यू दिया जाएगा जिसमें ये सारे बेसिक पॉइंट्स है कंट्रोलिंग के जो आपको मालूम होने चाहिए अगर आप FI में काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें कवर की जाएगी।
ये कंप्लीट कोर्स कंटेंट हो गया आपका फीको का, कोर्स ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये सारी क्लासेज होगी जो आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज होगी, इट मीन्स आप स्काइप के थ्रू या जूम के थ्रू सर के साथ कनेक्ट होगे और सर आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे। आपको जो भी डाउट होगा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इसके अलावा जब भी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको इन सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। सो आप उन सारे रिकॉर्डिंग को एक्सेस करते हुए आप अपनी कंपनी क्रिएट करोगे पैरेलल, जैसे सर अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे आपको सेशन में, सेम उस तरीके से आप अपनी क्रिएट करोगे, अपने जीएल अकाउंट्स बनाओगे, अपनी एंट्री पोस्ट करोगे, तभी तो आपको फिर प्रॉब्लम्स आएगी, इरर्स आएगी और फिर वो सारे प्रॉब्लम्स आप सर को स्क्रीनशॉट सेंड करके आप पूछ सकते हो। इसके लिए हम आपको एक सर्वर भी प्रोवाइड करेंगे जो अप्रोक्स 6 मंथ के लिए आपके पास होगा। आप 6 मंथ तक उस सर्वर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने डाउट सर से पूछ सकते हो। और इसके बाद हम बात करते हैं फीस की। तो देखो, सबसे फर्स्ट आपको 1,000 पे करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम। जिस 1,000 पे करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे एंड रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपकी डेमो होगी। डेमो भी आपकी सैटरडे संडे में ही होगी। डेमो लेने के बाद अब आपके ऊपर है कि आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो या आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हो। मे बी आपको अगर डेमो अच्छा ना लगे तो आप अपने रीजन्स बता के आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो हम आपकी जो 1,000 की फीस लेंगे वो हम आपको रिफंड कर देंगे, रजिस्ट्रेशन वाली फीस। इसके अलावा अगर आपको लगा कि नहीं सर काफी अच्छा पढ़ा रहा है, अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट आया नहीं कि जिसने डेमो लेने के बाद अपने आप को फर्दर रजिस्टर नहीं किया हो, तो मैक्सिमम 99.99% अभी सारे स्टूडेंट, अभी तो 100% का रिकॉर्ड है, सारे स्टूडेंट कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये फिर आप उसके बाद फर्दर आप नेक्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने 12,000 की आप पे करके आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर जब आपके कोर्स 50% कंप्लीट हो जाएगी, अप्रोक्स 1.5 मंथ या 2 मंथ आपकी कोर्स कंप्लीट हो चुकी होगी, तो फिर आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उतने ड्यूरेशन में। फिर आपको अपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है। तो आपके पास सफिशियंट टाइम हम दे रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए। फीस काफी नॉमिनल है और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वन टाइम ही आपसे, पहले तो आपसे वन टाइम में फुल पेमेंट लेंगे और उसके बाद होता क्या है कि 10 to 15 days क्लासेस कंडक्ट होता है एंड देन फिर उनके ट्रेनर अवेलेबल नहीं होते या किसी भी रीजन से आपकी क्लासेस फिर नहीं हो पाती है या तो काफी लंबा खींच जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उन्हें क्लासेज ही नहीं मिलती है और उनके पास से पैसे भी जा चुके होते हैं और वो फिर से कोई भी, मैं खुद भी फिर से 25,000 रुपीज इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पे 100% श्योरिटी है कि आपकी 100% क्लास कंप्लीट होगी। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। आप सेम है रोहन शर्मा, आप गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो मेरी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आप जल्द से जल्द आप रजिस्टर्ड करो इससे, बिकॉज इससे भी मैं बहुत वाइड स्कोप है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो, आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो एसएपी कैरियर में। होप सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।